तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा पुलिस और हरियाणा एसआई और उसके अलावा एचएसएससी की काफ़ी जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी जो है डेट आ चुकी है और एग्ज़ाम जो है आने वाले टाइम में जल्द ही होंगे। तो जो अब एग्ज़ाम होंगे इनका सबसे बड़ा पोर्शन है जीके। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जीके से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस कवर करेंगे जो हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हों। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री की बात करें तो भारतीय इतिहास या हरियाणा का या जो भी हमारा इतिहास है उसके बारे में जो हमें जानने को मिलता है इसके सबसे प्राचीनतम स्रोत अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास के बारे में जानने का जो हमारा सबसे प्राचीनतम स्रोत है जो कि हमें लिखित रूप में जो है वो उपलब्ध है वो है हमारे वेद। तो वेद जो है ये हमारे चार हैं, पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद जो है ये हमारा सबसे पुराना वेद है और सबसे बड़ा वेद है, यानी ये लिखा हुआ है जो सबसे ज़्यादा जो है इसमें ऋचाएँ या प्रार्थनाएं जो है वो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा लिखी हुई हैं। और जो प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में लिखी हुई इनको हम ऋचाएँ कहते हैं। तो ऋग्वेद की जो है रचना की थी ऋषि विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ने ऋग्वेद की रचना की थी। और जो हमारा गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र को जो है ऋग्वेद के चौथे मंडल से जो है वो लिया गया है हमारे गायत्री मंत्र को। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में ही है। तो यजुर्वेद हमारा ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में ही है, यानी कि इसमें जो है गाई जा सकने वाली ऋचाएँ भी हैं और पढ़ने लायक जो ऋचाएँ हैं प्रार्थनाएँ हैं वो भी हैं। दोनों ही चीज़ें जो है हमारी यजुर्वेद में सम्मिलित हैं। उसके बाद सामवेद की बात करें तो सामवेद से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सामवेद हमारा गाई जा सकने वाली प्रार्थनाओं का संकलन है। सामवेद में जितनी प्रार्थनाएँ हैं वो सारी हमारी बेसिकली गाई जा सकने वाली जो है ऋचाएँ हैं या प्रार्थनाएँ हैं, इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। उसके बाद हमारा जो सबसे नवीनतम वेद है जो चौथे नंबर का वेद है वो है हमारा अथर्ववेद। और अथर्ववेद की रचना की थी अथर्वा ऋषि ने। अथर्ववेद को भारतीय आयुर्वेदिक या जो हमारा विज्ञान है उसका जनक भी माना जाता है। इसके अलावा अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र जो है जादू टोने इसका वर्णन भी मिलता है। तो ये थे हमारे वेद। इसके बाद एचएसएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ज़्यादातर पूछे गए थे जो हमारे लेखक या जो चीनी यात्री या जो बाहर से रोमन यूनानी यात्री जो भारत में आए उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एचएसएससी में ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो ऐसे ही अगर कुछ पुस्तकों की बात करें तो संस्कृत व्याकरण की जो हमारी सबसे पुरानी पुस्तक थी, जो सबसे पहली पुस्तक है संस्कृत व्याकरण की, उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की थी किसने? पाणिनि ने। उसके बाद हम विदेशी जो है यात्रियों के बारे में अगर पढ़ें तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मेगस्थनीज के बारे में। एचएसएससी में मेगस्थनीज के बारे में कई बार पूछा गया है। तो मेगस्थनीज कौन था? तो मेगस्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये एक यूनानी जो है रोमन लेखक था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 305 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट 305 ईसा पूर्व जो है भारत में आया था। मेगस्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें इसने अपना यात्रा वृतांत और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत किस तरह का था उसका वर्णन किया था मेगस्थनीज ने। उसके बाद सेकंड जो हमारा यूनानी रोमन लेखक है वो है टोलमी। टोलमी के बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो टोलमी जो है ये दूसरी शताब्दी 140 ईस्वी में, टोलमी जो है 140 ईस्वी में
जो है भारत आया और इसने जो है भारत का भूगोल या फिर हम कह सकते हैं ज्योग्राफी, एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी या फिर भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी, दोनों का ही आंसर होगा टोलमी। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि टोलमी भारत कब आया, तो आप ये लिख सकते हैं कि ये दूसरी शताब्दी में भारत आया या फिर 140 ईस्वी में, ईस्वी यानी कि आफ्टर क्राइस्ट जो है भारत में आया। चीनी लेखकों की बात करें तो सबसे पहले जो है बात आती है फहयान की। फहयान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में जो है भारत आया। अब ये देखिए मेगस्थनीज जो है ये हमारा 305 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट जो है भारत में आया था, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और जो हमारा फहयान है ये 5वीं शताब्दी यानी आफ्टर क्राइस्ट जो है 5वीं शताब्दी में भारत आया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। उसके बाद जो है एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ह्वेनसांग के बारे में। तो ह्वेनसांग जो है ये राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत में आया था। ये आया था 7वीं शताब्दी 629 ईस्वी में जो है ह्वेनसांग भारत में आया था राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो हर्षवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको बता दूँ, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, आप के पास जो भी बुक है उसमें आप हर्षवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करें। मैं भी कोशिश करूंगा आपको आगे हर्षवर्धन से रिलेटेड, जब हम हरियाणा जीके को अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो हर्षवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चन करने की। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा ह्वेनसांग है ये 629 ईस्वी में भारत आया और लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहकर 645 ईस्वी में जो है ये हमारा ह्वेनसांग जो है वापस चीन लौट गया। ह्वेनसांग ने अपना जो यात्रा वृतांत है ये सी यू की नामक पुस्तक में लिखा। ह्वेनसांग ने पुस्तक लिखी कौन सी, सी यू की। इसमें इसने भारत का वर्णन किया हर्षवर्धन के शासनकाल के टाइम में। इसके बाद एक और चीनी यात्री जो भारत में आया था ये था इत्सिंग। इत्सिंग जो है ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया था। अरबी लेखकों की बात करें तो अल बरूनी जो है ये महमूद गजनवी के साथ जो है भारत में आया था और अल बरूनी ने जो है किताब उल हिंद, जिसकी पुस्तक है इसने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा एग्जाम में पूछ सकते हैं कि तहकीके हिंद नामक पुस्तक या फिर भारत की खोज नामक पुस्तक जो है किसने लिखी। तो तीनों ही क्वेश्चंस का आंसर, तीनों ही पुस्तकें एक हैं, जस्ट लैंग्वेज की वजह से जो है इनके नाम चेंज हो जाते हैं, जैसे किताब उल हिंद, तहकीके हिंद या फिर भारत की खोज। तो ये पुस्तक लिखी थी हमारी अल बरूनी ने। इसके बाद एक और हमारा अरबी लेखक है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है ये 14वीं शताब्दी में तकरीबन 1333 ईस्वी में जो है इब्न बतूता जो है भारत में आया था। किसके शासनकाल में, मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है इब्न बतूता जो है भारत में आया था। इब्न बतूता जो है ये काफ़ी विद्वान था और जब ये दिल्ली पहुँचा 1333 ईस्वी में तो इसकी जो है विद्वत्ता से जो है प्रभावित होकर उस समय के दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को जो है दिल्ली का काजी या हम कह सकते हैं कि न्यायाधीश जो है वो नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता ने जो अपना यात्रा वृतांत लिखा वो इसने रिहला नामक पुस्तक में लिखा। तो ये थे हमारे कुछ प्राचीन जो है यात्री और वो किस तरीके से भारत में आए, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, इनसे रिलेटेड फैक्ट्स जो एसएससी में पूछे जाते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा एसएससी में जिस पुस्तक या जिस टाइम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है महाभारत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं महाभारत हमारा एक महाकाव्य है। तो महाकाव्य बेसिकली दो हैं हमारे, रामायण एंड महाभारत, बट एचएसएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं महाभारत से। तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन हमारा होगा महाभारत का वास्तविक नाम, कि महाभारत का वास्तविक नाम क्या है। तो देखिए महाभारत का वास्तविक नाम है जय संहिता और महाभारत की जो रचना की थी ये की थी महर्षि वेदव्यास ने करनाल के बस्तली नामक गांव में। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि महाभारत की रचना किसने की तो इसका आंसर होगा महर्षि वेदव्यास और कहाँ की, तो करनाल के बस्तली नामक गाँव में महाभारत की रचना की। तो महाभारत की रचना से पहले क्या हुआ था, पांडवों और कौरवों के बीच में आपको पता है कि चौसर का गेम हुआ था जिसमें पांडवों की हार हुई थी एंड देन पांडवों को जो है 12 वर्ष का वनवास
और एक साल का अज्ञातवास दिया गया था। तो 12 वर्ष का जो पांडवों का वनवास था, इसमें पांडवों ने अपने वनवास का कुछ समय जो है कुरुक्षेत्र में कमोधा नामक जगह है वहां पे, तथा पंचकुला में पिंजोर नामक जगह है, इन दो जगहों पे जो है पांडवों ने अपने वनवास का कुछ समय बिताया। कहाँ? कमोधा कुरुक्षेत्र और पिंजोर पंचकुला, इन जगहों पर पांडवों ने अपने वनवास का कुछ समय बिताया। इसके बाद जब पांडवों का वनवास पूरा हो गया, देन अज्ञातवास का जो एक साल का अज्ञातवास था, तो अज्ञातवास का कुछ समय पांडवों ने जो है पंचवटी, जो कि हमारी पलवल में है, पलवल में पंचवटी नामक जगह पर पांडवों ने जो है अपना अज्ञातवास का कुछ समय बिताया। हम सिर्फ महाभारत के जो है वही फैक्ट्स करेंगे जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं या इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है और जो है सिलेबस हमारा काफ़ी डिटेल में है। तो आगे बात करें तो युद्ध से पहले जो है पांडवों ने दुर्योधन से जो है 5 गांव की मांग करी थी। तो इन 5 गांव में जो है हरियाणा के 2 गांव थे, पहला गांव पानप्रस्थ और दूसरा सोनप्रस्थ। तो पानप्रस्थ जिसे हम पानीपत के नाम से भी जानते हैं और सोनप्रस्थ जिसे आजकल सोनीपत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दिल्ली जिसका नाम इंद्रप्रस्थ है, इसे भी पांडवों ने जो है मांग करी थी इसकी भी। और जो रिमेनिंग गांव रह गए ये हमारे यूपी यानी उत्तर प्रदेश के थे, जिनमें एक था हमारा बाघप्रस्थ जिसे आजकल बागपत के नाम से भी जाना जाता है। तो युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों ने जो है अलग अलग स्थानों पर पूजा करी। तो जैसे पहले के टाइम में युद्ध शुरू होता था या कोई लड़ाई होती थी, इससे पहले राजा महाराजा पूजा करते थे, तो पांडवों ने भी इसी तरीके से पूजाएं की। तो इन्हीं में से एक पूजा की पांडवों ने जींद में जयंती देवी की, तो वहाँ पर जो है जयंती देवी का मंदिर है जींद में। इसके अलावा पांडवों ने जो है राजसूय यज्ञ भी करवाया हरियाणा में और नवग्रह कुंड की स्थापना की कैथल में। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि नवग्रह कुंड कहाँ पर है, ये पांडवों ने नवग्रह कुंड की स्थापना कहाँ की, तो पांडवों ने नवग्रह कुंड की स्थापना की कैथल में। और नवग्रह कुंडों की स्थापना की वजह से ही जो कैथल है इसे हरियाणा की छोटी काशी भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कि कैथल को हरियाणा की छोटी काशी भी कहा जाता है। उसके अलावा देखिए महाभारत का जो हमारा युद्ध है ये लगभग 18 दिनों तक लड़ा गया था। तो 18 दिनों में जो पहले के 10 दिन थे, इसमें जो है हमारे भीष्म पितामह जो है ये कौरवों की सेना के सेनापति रहे थे। भीष्म पिता ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था और ये कौरवों की सेना के सेनापति रहे थे शुरू के 10 दिन। तो 10वें दिन जब भीष्म पितामह का अर्जुन से युद्ध हुआ, तो अर्जुन ने भीष्म पितामह को जो है कुरुक्षेत्र के नरकादरी नामक गांव में जो है बाणों की शैया पर जो है वो लिटा दिया। उनकी पूरी बॉडी पर जो है वो तीर या बाण जो है वो मारे और उन्हें जो है बाणों की शैया पर लिटा दिया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर कहाँ लिटाया था, तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र के नरकादरी नामक गांव में। तो बाणों की शैया पर लिटा दिया, तो भीष्म पितामह ने जो है अर्जुन से पीने के लिए पानी की मांग की। तो अर्जुन ने जो है जमीन पे तीर मार के, धरती पर तीर मार के जो है पानी की धारा निकाली थी जिसे हम बाण गंगा के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगी बाण गंगा कहाँ से निकली, तो इसका आंसर भी यही होगा कि कुरुक्षेत्र के नरकादरी नामक गांव से। उसके बाद जब भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लिटा दिया गया, उनकी मृत्यु नहीं हुई लेकिन वो बाणों की शैया पर लेटे थे तो वो युद्ध नहीं कर सकते थे। तो अगले 5 दिनों तक जो है गुरु द्रोणाचार्य जो है कौरवों की सेना के सेनापति रहे। अब गुरु द्रोणाचार्य जो है ये पांडवों और कौरवों दोनों के ही गुरु थे और इनका निवास स्थान था गुरुग्राम। गुरुग्राम का नाम गुरुग्राम भी इसीलिए पड़ा क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जो है इनके गुरु थे दोनों के, और इन्होंने पांडवों और कौरवों को जो शिक्षा दी थी वो भी गुरुग्राम में ही दी थी। तो जब गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई तो गुरु द्रोणाचार्य के शव को जो है गुरुग्राम में ही जलाया गया, और इनकी जो पत्नी थी माता कृपी वो भी जो है इन्हीं के साथ जो है सीता में जलकर जो है सती हो गई। तो जब माता कृपी सती हो गई तो उसके माता कृपी की याद में
1650 ईस्वी में बिफोर क्राइस्ट राजा भरतपुर ने 1650 ईस्वी में गुरुग्राम में शीतला माता का मंदिर बनाया। तो एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शीतला माता का मंदिर कहाँ है, तो आप बता सकते हैं गुरुग्राम में। किसने बनवाया? 1650 ईस्वी में राजा भरतपुर ने। किसकी याद में? माता कृपी की याद में, माता कृपी के नाम पर, माफ कीजिएगा। तो द्रोणाचार्य जब युद्ध लड़ रहे थे, यानी जब उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, तो उन्होंने कुरुक्षेत्र के अमीन नामक गांव पर जो है, गांव में आपको याद होगा चक्रव्यूह की रचना की थी, जिसमें अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी चक्रव्यूह में। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चक्रव्यूह की रचना कहाँ हुई थी, आप बता सकते हैं कि चक्रव्यूह की रचना जो है वो कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में हुई थी। तो द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद जो है अगले 3 दिनों तक सेनापति रहे कर्ण। कर्ण से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं काफी, तो हम कर्ण से के बारे में पढ़ते हैं। तो कर्ण को जो है दानवीर कर्ण भी कहा जाता है, और कर्ण जो है ये अंग प्रदेश के जो है राजा थे। क्योंकि क्या था, जब कर्ण की अर्जुन से स्पर्धा होने लगी, तो क्योंकि कर्ण जो है सूत पुत्र थे, तो राजा न होने के कारण इन्हें अर्जुन से युद्ध करने की अनुमति नहीं थी। तो दुर्योधन ने यह देखते हुए जो है अर्जुन कर्ण को जो है अंग प्रदेश का राजा बना दिया था, इसीलिए दोनों में मित्रता हुई थी। तो कर्ण जो है इन्हों के पास जो है बचपन से ही, क्योंकि सूर्य पुत्र थे, तो बचपन से इनके पास सूर्य देव के दिए हुए कवच और कुंडल थे, जिसकी वजह से ये अजेय थे। तो युद्ध के समय जो है इंद्रदेव ने जो है कर्ण से कवच और कुंडल जो है दान में मांगे, कहाँ पर? करनाल में कर्ण झील पर। कर्ण झील है हमारी, जिस झील का नाम कर्ण की वजह से जो है कर्ण झील पड़ा, उस झील पर जो है इंद्रदेव ने कर्ण से जो है कवच और कुंडल की मांग की, और कवच और कुंडल इंद्र ने जो कर्ण है उन्होंने दान कर दिए, इसीलिए उन्हें दानवीर कर्ण कहा गया, और उस जिले का नाम जो है करनाल रखा गया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि करनाल नाम जो है क्यों रखा गया, तो करनाल नाम जो है राजा कर्ण की वजह से जो है रखा गया। तो कर्ण की मृत्यु के बाद जब युद्ध समाप्त होने लगा, तो 18वें दिन जब दुर्योधन डर गया, तो डर कर दुर्योधन ने जो है एक तालाब में छुप गया, या एक कुंड में छुप गया आप कह सकते हैं। तो उस जगह को जहाँ दुर्योधन छुप गया, उसे ढूंढू तीर्थ का नाम दिया गया। वहाँ पर जो है पांडवों ने दुर्योधन को ढूंढा, और ढूंढ कर जो है दुर्योधन को भीम ने गदा युद्ध में हराया, और दुर्योधन की जो हत्या हो गई वहाँ, और पांडव विजयी हुए। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ढूंढू तीर्थ कहाँ है, तो आप लिख सकते हैं कि ढूंढू तीर्थ हमारा जींद के इक्कस नामक गाँव में है। इक्कस नामक गाँव में ढूंढू तीर्थ है, जहाँ पर दुर्योधन जो है एक कुंड है, वहाँ पर दुर्योधन डर कर जो है छिप गया था। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था। तो श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था ज्योतिषर नामक जगह पर, जो है एक बरगद के वृक्ष के नीचे सरस्वती नदी के किनारे पर। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, आपको याद होना चाहिए कि ज्योतिषर नामक जगह पर बरगद के वृक्ष के नीचे सरस्वती नदी के किनारे श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो युद्ध समाप्त होने के बाद जो है कुरुक्षेत्र में जो है युधिष्ठिर ने चंद्रकूप का कुआं बनवाया था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि चंद्रकूप का कुआं कहाँ है, तो आप लिख सकते हैं कि चंद्रकूप का कुआं जो है ये हमारा कुरुक्षेत्र में है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने जो है काफ़ी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को आज पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो हम और नए हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले जीके का जितना ज़्यादा पोर्शन आपका कंप्लीट हो सकता है उतना कंप्लीट हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।